अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा चिकन का पुलाव। तो चलें पुलाव बनाना शुरू करते हैं। पुलाव बनाने से पहले हम सबसे पहले यखनी तैयार करेंगे, तो चलें यखनी बना लेते हैं। सबसे पहले बनाने के लिए सबसे पहले पैन में मैं 5 से 6 गिलास पानी शामिल करूँगी। गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया है। फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है। ये मैंने 2 बड़े साइज की प्याजे ली थी, जिनको मैंने 4-4 पीस में काट लिया है। इसको शामिल करेंगे। 1 साबुत मैंने लहसुन लिया है पूरा, इसको शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है इसको। 3 टेबल स्पून साबुत धनिया, 3 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टेबल स्पून सॉल्ट शामिल कर रही हूँ मैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। 4 लाल गोल साबुत मिर्चे हैं और 1 टेबल स्पून मैं अदरक का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास साबुत है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से साबुत गरम मसाले शामिल करूँगी, जिसमें 2 तेज पत्ते हैं, 1 बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 3-4 लौंगे हैं, 5 से 6 काली मिर्चें हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और थोड़ी सी जावित्री और थोड़ा सा जायफल। इसको शामिल करेंगे। बॉईल आने तक इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे। ये देखें यखनी में अच्छी तरह से बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको कवर करके आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे, ताकि हमारी मज़ेदार सी यखनी बन के तैयार हो जाए मीडियम टू लो फ्लेम पर। यखनी को पकते हुए 1/2 घंटा हो गया है, देख लेते हैं। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी यखनी तैयार हो रही है। अब मैं इसके अंदर, ये मैंने 1 किलो चिकन ली है, इसको शामिल करूँगी। चिकन मैंने पहले इसलिए शामिल नहीं की थी कि चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, और यखनी इसलिए उबाल ली पहले कि ताकि सारे फ्लेवर हमारी यखनी में आ जाए अच्छी तरह से। मिक्स करेंगे। चिकन शामिल कर दिए मैंने इसके अंदर। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी। मिनट हो गए, चलें देखते हैं। यखनी में मैंने चिकन को डाल के 10 मिनट के लिए पकाया था। चिकन हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब फ्लेम को कर लेते हैं ऑफ और यखनी को थोड़ा सा ठंडा करके हम इसको छान लेंगे, बोटियाँ अलग कर लेंगे और यखनी अलग कर लेंगे। ये देखें मैंने यखनी अलग कर ली है और बोटियों को अलग कर लिया है। सबसे पहले मैंने ये 3 कप चावल लिए हैं, इनको मैं पहले भिगो देती हूँ अच्छी तरह धोकर। चावलों को मैंने अच्छी तरह से धो दिया, अब हम इनको 20 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। पहले पैन में मैं 1/2 कप घी डालूंगी, आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। गरम हो जाएगा तो ये मैंने 2 प्याजे ली हैं मीडियम साइज की, इनको मैंने चॉप कर लिया बारीक बारीक, इनको शामिल करूंगी इसमें। इनको हल्का सा हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है। ये देखें प्याज अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल लूंगी। थोड़ी सी प्याज मैंने निकाल ली है, इसको साइड में रख देते हैं। अब मैं इसमें, ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इनको चॉप कर लिया, ये शामिल करूंगी। थोड़ा सा मैंने साबुत गरम मसाला लिया है, जिसमें 1 तेज पत्ता है, 1 टीस्पून जीरा है, 1 बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंगे और 3-4 काली मिर्च, इनको शामिल कर देंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है। 1 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने ये
2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया है, इसको शामिल करेंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक अच्छी तरह से कुक करेंगे। अगर आपको टमाटर पसंद नहीं है तो आप टमाटर स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है पुलाव में। टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए, अब मैं इसमें चिकन शामिल करूंगी। अच्छी तरह से मसाले के साथ भूनेंगे चिकन को। 1 से 2 मिनट चिकन को ऑयल में अच्छी तरह से भूनेंगे। अब मैं इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह भूनेंगे, फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। 1 से 2 मिनट मैंने लहसुन अदरक के साथ इसको भूना है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूंगी। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। इसको मिक्स करने के बाद 4 टेबल स्पून दही शामिल करूंगी। इसके साथ अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। फ्लेम मैंने हाई कर दी है, अब इसको दही के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। दही के साथ चिकन को मैंने अच्छी तरह भून लिया है, ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें यखनी शामिल करूंगी। ये 4 कप यखनी है, इसको शामिल करूंगी इसमें। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। 5 से 6 हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून में चाइनीज सॉल्ट शामिल करूंगी, ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर दें। मिक्स करेंगे, बॉयल आने तक इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। यखनी में अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें जो हमने चावल भिगो के रखे थे इनको शामिल करेंगे। चावल मैंने शामिल कर दिया, अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बॉयल आने तक तेज आंच पे पकाएंगे। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लें, अगर आपको कम लगता है तो आप और शामिल कर लें। ये देखें इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 5 मिनट हो गए, चलें देखते हैं। 5 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया है। ये देखें पानी अच्छा खासा इसमें से ड्राई हो गया है। अब हम इसको दम पे रखेंगे। दम पर रखने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और इसको मैंने गीला कर लिया है। इसको इसके ऊपर कवर करेंगे और इसके ऊपर हम इसको रख देंगे। आप चाहें तो अखबार भी यूज़ कर सकते हैं। और नीचे हम इसके पराठे वाला तवा रख देंगे और इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे हल्की आंच पे। पुलाव को मैंने 15 मिनट के लिए दम पे रखा था, चलें देखते हैं। ये देखें हमारा मज़ेदार सा चिकन यखनी पुलाव बन के तैयार हो गया है। ये देखें कितने ज़बरदस्त चावल देखने से बने। चलें अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें हमारा मज़ेदार सा चिकन यखनी पुलाव बन के तैयार है। और जो मैंने प्याज निकाल के थोड़ी सी रखी थी वो मैंने ऊपर से डाल दिए। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।